ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दिल्ली के पीतमपुरा नेताजी सुभाष प्लेस में अभी हाल ही में क्लब और पुलिस के बीच विवाद में पुलिस पर वसूली करने के आरोपों के बीच नेताजी सुभाष प्लेस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहे नशे के कारोबार और क्लब लाउंज की कई अवैध गतिविधियों की भी परत खुलने लगी है। सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ चल रहे क्लब्स और ठेकों पर लग रहे आरोपों के बारे में। यहाँ गैर लाइसेंसी क्लबों में चलाया जाता है नशे का अवैध कारोबार, जमकर होती है अंडर एज एंट्रीज, प्रशासन से हो जाती है क्लब मालिकों की सेटिंग। क्या प्रशासन और पुलिस के शय पर चल रहे हैं ये तमाम अवैध कारोबार? नॉर्थ दिल्ली के सबसे बड़े कमर्शियल हब में युवाओं की भीड़ आम बात है, लेकिन ये बात हैरानी की तब हो जाती है जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या टीन एजर्स को यहाँ के क्लबों में आराम से जाने और आने की खुली छूट होती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष प्लेस के एक क्लब मालिक की माने तो यहाँ चल रहे सभी क्लब्स और लाउंज जरूरी मानकों को पूरे नहीं करते और ना ही उनके सभी संबंधित लाइसेंस या कागजात पूरे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये क्लब इतने धड़ल्ले से चल कैसे रहे हैं? यहाँ पे 20 साल से ऊपर का कोई भी एक भी सिंगल बच्चा आपने नहीं देखा होगा। आप अंदर की सीसीटीवी फुटेज लो या कोई कुछ भी देखो, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे बियर भी मिलेगी, दारू भी मिलेगी, हुक्का भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आज तक इनके खिलाफ, आज तक हमारे यहाँ पे प्रॉपर हर तरह का एक्साइज का लाइसेंस, प्रॉपर सर्विस टैक्स, डी वैट, GST प्रॉपर सब हम जमा भी करवाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है किसी पर। एक्साइज भी आती है, उनको भी ये पैसे दे के कर देते हैं। उनके खिलाफ भी पकड़ने, जो पीछे बाहर की दारू पकड़ी गई है वो वीडियो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। एक्साइज वाले ने उसकी पकड़ी है। मेरे क्लब में 4 घंटे तक उन्होंने प्रॉपर एक एक कोना, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सब एक एक चीज़ एक एक कोना देखा है, कुछ नहीं मिला एक ढक्कन तक। उसके बाद भी वो 4 पेज लिख के गए हुए मेरे उसमें कि आप डी वैट दिखाओ, सर्विस टैक्स दिखाओ। और हालांकि उनका कोई राइट भी नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैंने जो उन्होंने मांगा मैं सबमिट भी करवा के आया हूँ। कमिश्नर साहब से भी हम मिले हैं, वहाँ पे भी हमने लिखित में कंप्लेंट दी है कि सर ये सब मेरे साथ ही क्यों। दिल्ली पुलिस को मैंने मंथली देनी बंद कर दी है, तब से दिल्ली पुलिस ने मेरे स्टाफ को मारा। एक्साइज की मंथली बंद कर दी है मैंने, तब से एक्साइज वालों ने मेरे यहाँ पे, आप मेरा रजिस्टर देखो आके, एक्साइज वाले हर महीने आके मेरे यहाँ रेड करते हैं, जो आज तक कभी कुछ ही नहीं मिला। अनली कुछ नहीं मिलने के बाद भी मेरा बार सील किया, 3.5 लाख रुपए उन्होंने मेरा, अगले दिन ही मेरा बार ओपन कर दिया, जो रिकॉर्ड में है ही नहीं कुछ भी कहीं पे भी। सबकी मेरे पास भी उसकी भी वीडियो यहाँ पे चल रहे हैं, क्या लगता है कितने लोगों के पास रहता है? सर यहाँ पे 5-6 क्या नाम है क्लब चल रहे हैं, और काफ़ी 5-6 ही आप यहाँ पे हुक्का लाउंज चल रहे हैं, जो प्रॉपर निकोटीन फ्लेवर ही यूज़ करते हैं, सिर्फ पुलिस ही के उसके देख रेख में चल रहे हैं। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके उनको बंद भी करवा सके, और कभी भी आप उनके जाके चेक करो, क्योंकि हर जगह से मंथली चलती है यहाँ। पुलिस का इन क्लब्स के प्रति क्या रवैया है, इस बात को देखते हुए रविवार दोपहर जब इन क्लब्स में सैकड़ों की भीड़ थी, उसी समय स्थानीय थाने को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन क्लब के बाहर तब तक इंतजार करती रही जब तक सभी टीन एजर्स इन क्लबों से बाहर ना निकल जाएं। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं, जब कोतवाल से यारी तो कौन पड़ेगा भारी। जी हाँ, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की नेताजी सुभाष प्लेस का आलम कुछ ऐसा ही नजर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर